हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज का वीडियो रेटिनॉल्स के बारे में है। रेटिनॉल्स कितने अच्छे होते हैं ये सब तो हमें सोशल मीडिया के थ्रू पता चल ही गया है, बट बहुत बार हमें डाउट रहता है कि हमें कौन सा रेटिनॉल यूज़ करना है। तो इस वीडियो में हम आपको देंगे हमारे फेवरेट रिकमेंडेशंस डिफरेंट ब्रांड्स के रेटिनॉल में, और हम ये भी आपको बताएंगे कि अगर आपकी ड्राई स्किन है, ऑयली स्किन है, सेंसिटिव स्किन है, अगर बैक पे एक्ने है, तो कौन सा रेटिनॉल आप यूज कर सकते हो। तो सबसे पहले जानते हैं रेटिनॉल क्यों जरूरी है और वो करते क्या है। तो रेटिनॉल विटामिन ए का एक डेरिवेटिव है और ये हमारी स्किन सेल के अंदर काफी इंपॉर्टेंट रोल्स प्ले करता है। तीन सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, उनमें से सबसे पहला होता है कि वो आपकी स्किन का टर्नओवर बढ़ाता है, मतलब उम्र के साथ जो डेड स्किन सेल्स इकट्ठी हो रही हैं वो उसे कट नहीं होने देता, जिसके कारण आपकी जो डलनेस है वो बेटर होती है। दूसरा, ये आपका ऑयल कंट्रोल करता है, जिसके कारण जो कील, मुहासे, कॉमेडोन्स होते हैं वो बेटर होते हैं। और तीसरा, कि ये आपकी स्किन के अंदर इलास्टिसिटी मेंटेन करता है, क्योंकि ये आपका कोलेजन बढ़ाता है। तो रेटिनॉल के काफी सारे बेनिफिट्स हैं, और स्किन केयर में सनस्क्रीन के बाद रेटिनॉल को हमने सबसे इंपॉर्टेंट स्किन केयर इंग्रेडिएंट माना है। राइट फ्रॉम एक्ने टू एजिंग टू पिगमेंटेशन, रेटिनॉल का काम ऑलमोस्ट हर चीज में है। तो प्रोडक्ट रिकमेंडेशंस से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं उन लोगों की जो बिगिनर्स हैं, पहली बार रेटिनॉल ट्राई कर रहे हैं या जिनकी बहुत सेंसिटिव स्किन है। तो एक आइडियल परसेंटेज होता है 0.3 से 0.5% रेटिनॉल जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस कैटेगरी में मेरा फेवरेट रेटिनॉल है रेटिनिक्स रिवाइटलाइजिंग सीरम। इसमें तीन टाइप के रेटिनॉल फॉर्मेट्स हैं, और सबसे अच्छी बात यह है कि इसके इंग्रेडिएंट्स बाहर से स्विट्जरलैंड और जापान से सोर्स किए गए हैं, तो मुझे इस प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत ज्यादा पसंद है। वेल, मेरा फेवरेट प्रोडक्ट फॉर बिगनर्स होगा डर्मेटिका लेबोरेटरीज का रेटी प्राइम। रेटी प्राइम एक रेटिनॉल है जो कि थोड़ा सा क्रीमी बेस में है, इसलिए वो ज़्यादा डीप पेनिट्रेट फास्ट नहीं करता, और वो बिगिनर्स के लिए काफ़ी अच्छा है। ये नैनो इनकैप्सुलेटेड टेक्नोलॉजी के साथ आता है, तो स्लो रिलीज रहता है, इसलिए ड्राइनेस सेंसिटिविटी के चांसेस बहुत कम होते हैं। ये दोनों प्रोडक्ट्स आप ड्राई स्किन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपकी ड्राई स्किन है या फिर आपकी स्किन बार बार रेड हो जाती है रेटिनॉल यूज करके, तो आप इनसे भी नीचे वाला प्रोडक्ट यूज कर सकते हो, और वो होगा स्यूटॉक्स सीरम। स्यूटॉक्स सीरम में केवल 0.1% रेटिनॉल है, तो आप इसको अपने आईज और माउथ के पास, जहाँ पे आपकी स्किन जो है पतली होती है, वहां पे भी यूज कर सकते हो सेफली। इसके बाद आते हैं नॉर्मल टू कॉम्बिनेशन स्किन पे, मतलब कि आपकी स्किन टी जोन से ऑयली है और कहीं कहीं पे ड्राई फील करती है। इस केस में आप 1% रेटिनॉल ट्राई कर सकते हैं। जो हमारा रेकमेंडेशन है इसमें वो है एड्रेटो सीरम। ये एक लाइपोफिलाइज्ड 1% रेटिनॉल सीरम है। इसका मतलब कि रेटिनॉल एक फैट के बबल के अंदर डाला गया है, जिससे वो डीपर पेनिट्रेट करता है और वहां पहुंचता है जहां उसका एक्शन हमें चाहिए। इसके अलावा ये प्रोडक्ट पैराबेन फ्री और सल्फेट फ्री है, तो सेंसिटिव स्किन के लोग भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करते हैं ऑयली या फिर एक्ने प्रोन। यूजुअली जो आपकी स्किन अगर एक्ने प्रोन है तो ऑयली होती है, तो ऑयली और एक्ने प्रोन में आपको कौन सा रेटिनॉल यूज करना चाहिए। अगर आपकी ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स है सिर्फ, जो कि ग्रेड 1 एक्ने में आता है, तो आप एक्सफोल ए यूज कर सकते हो। एक्सफोल ए में है रेटी स्टार, और ये आपके स्किन में डीप पेनिट्रेट करता है, आपके ऑयल ग्लैंड्स के अंदर घुसता है, और व्हाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स को एक्सफोलिएट आउट करता है। अगर आपको व्हाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स से थोड़ा ज्यादा एक्ने होता है, आपको रेड बम्स भी आते हैं, या फिर आप कोई रेटिनॉल बहुत टाइम से यूज कर चुके हो, आपकी स्किन काफी मेच्योर हो चुकी है रेटिनॉल के साथ, तो फिर आप एजिलिया आई रेटिनॉल यूज कर सकते हो। इसमें 2.5% रेटिनॉल। और अगर आपने रेटिनॉल बहुत लंबे समय से इस्तेमाल कर लिया है और अब आपको लगता है आपकी टॉलरेबिलिटी काफी बढ़ चुकी है, तो आप एज रेट का 4% रेटिनॉल सीरम ट्राई कर सकते हो। इसमें हाइड्रोजनेटेड फॉर्म ऑफ रेटिनॉल है, विच इज अ वेरी वेरी पोटेंट फॉर्म ऑफ रेटिनॉल, और ये एक्ने के पेशेंट्स में जिनको सिवियर एक्ने होता है उनमें भी अच्छा काम कर सकता है। तो अभी मैं यूएस में था, और वहाँ पे वो वाले रेटिनॉल बड़े पसंद किए जाते हैं जो कि कैप्सूल्स में आते हैं। सब लोग उसके बारे में पूछते हैं और वो खरीदना चाहते हैं। बहुत सारे ब्रांड्स वहाँ पे अवेलेबल हैं जो इस तरीके का रेटिनॉल बना रहे हैं, बट इंडिया में मुझे तो एक ही ब्रांड पता है, जो है डॉक्टर रेड्डीज का A15। इसके अंदर एक वेजी कैप्सूल के अंदर 0.5 ml रेटिनॉल है, जिसको आप ब्रेक कर सकते हो और रात को आप अपने चेहरे पे लगा सकते हो। और इसके भी रिव्यूज़ काफ़ी अच्छे हैं, और हमने पर्सनली यूज़ किया है, काफ़ी अच्छा रेटिनॉल है ये। तो वेजी कैप्स का जो कंसेप्ट है वो ये है कि रेटिनॉल की बॉटल हम खोलते हैं, उसे यूज़ करते हैं लगाते समय, तो उसके अंदर एयर घुसती है, रेटिनॉल ब्रेक डाउन होता है। तो अगर वो कैप्सूल फॉर्म में हो, तो आप एक टाइम पर एक ही कैप्सूल खोल रहे हो, तो उससे जो आपका बाकी का रेटिनॉल है वो ऑक्सीडाइज नहीं होता है,
और उसकी जो एफिकेसी है वो कॉम्प्रोमाइज नहीं होती है। और अगर एंटी एजिंग के लिए आप कोई ऐसा प्रोडक्ट चाहते हैं जिसमें रेटिनॉल के साथ पेप्टाइड और स्टेम सेल्स भी हों, तो आप त्रिकोना फार्मा का ट्राइजू सीरम ट्राई कर सकते हैं, और ये इन सब कॉम्बिनेशन में आता है एंड इट इज वंडरफुल फॉर दोज लुकिंग फॉर एंटी एजिंग। अब आईज के आसपास भी हमें फाइन लाइंस और रिंकल्स की प्रॉब्लम रहती है और लोग पूछते हैं कौन सा रेटिनॉल यूज करना चाहिए। एक मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था स्यूटॉक्स सीरम जो कि 0.1% है, आप वो यूज कर सकते हो फेस और अराउंड द आईज दोनों। कुछ डेडिकेटेड रेटिनॉल्स भी आते हैं जैसे कि डी एक्सपर्ट अंडर आई जेल जो मुझे बहुत पसंद है क्योंकि इसमें विटामिन के भी है और कैफीन भी है, तो और चीज़ों पे भी ये काम करता है अंडर आई में। उसके अलावा डर्मेटिका का एक क्लियर सर्कल भी आता है जिसमें भी 0.1% रेटिनॉल है, वो भी आई के लिए अच्छा है। आई के लिए जब आप रेटिनॉल लगाते हो तो आप उसे कम यूज कर सकते हो, मे बी हफ्ते में 2 से 3 बार। तो ये तो हो गई फेस रेटिनॉल्स की बात। अब कई सारे लोग हमसे पूछते हैं कि बॉडी पे वो कौन से रेटिनॉल यूज कर सकते हैं। तो बॉडी पे रेटिनॉल हम कब देते हैं? जब हमें थोड़ी फाइन लाइंस या रिंकल्स डेवलप होना स्टार्ट हो गए, स्पेशली बैक ऑफ द हैंड्स पे, नेक पे। और इसके अलावा बॉडी एक्ने में भी रेटिनॉल यूज कर सकते हैं, किसी को बैक पे या बटक्स पे एक्ने होते हैं। तो अगर आपको रिंकलिंग से प्रिवेंट करना है तो आप FCL का बायो रेटिनॉल ट्राई कर सकते हैं। ये एक लोशन फॉर्म में है और ये बहुत इजी टू स्प्रेड होता है ऑन योर फीट एंड ऑन योर नेक। इसके अलावा अगर आपको एक्ने है तो आप सैलिजैप AZ स्प्रे भी यूज कर सकते हो। इसके अंदर रेटिनॉल है और सबसे अच्छी बात है कि इसमें एजिलिक एसिड भी है जो मेरा वन ऑफ द बेस्ट फेवरेट मॉलिक्यूल्स है, वो आपकी पिगमेंटेशन कम करने में भी काम आता है। तो अगर बैक एक्ने के बाद आपको मार्क्स रह गए हैं तो आपका सैलिजैप AZ स्प्रे बहुत अच्छा ऑप्शन रहेगा। अब अगर हम रेटिनॉल्स की बात करें तो वो प्रेगनेंसी कैटेगरी सी होते हैं। इसका मतलब ये है कि प्रेग्नेंट वुमेन यूज कर सकते हैं अपने डॉक्टर से पूछकर, बट हाउएवर हम ओवरऑल पेशेंट्स को यूजुअली मना करते हैं कि अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आप रेटिनॉल्स यूज मत करो। प्रेगनेंसी में रेटिनॉल यूज करना हमेशा एक कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक रहता है और यूजुअली हम मना करते हैं प्रेगनेंसी में रेटिनॉल यूज करने से। तो आप क्या यूज कर सकते हैं उसकी जगह? कुछ प्लांट डिराइव्ड रेटिनॉल जैसे मॉलिक्यूल्स अवेलेबल हैं जैसे कि बाकुचियोल। तो CBM ग्लोबल में एक प्रोडक्ट है बायोडर्मा का जो कि आप यूज कर सकते हो सेफली इन प्रेगनेंसी, जो आपको ऑलमोस्ट सिमिलर इफेक्ट्स देगा जैसे कि रेटिनॉल। तो ये थे हमारे फेवरेट प्रोडक्ट्स रेटिनॉल्स को लेकर। लेकिन रेटिनॉल को यूज करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हम आपको देना चाहते हैं। उनमें सबसे पहला ये है कि जब भी आप यूज करते हैं, याद रखिए रेटिनॉल हमेशा रात में इस्तेमाल कीजिए, और जब आप रेटिनॉल पे हैं तो सुबह सनस्क्रीन इस्तेमाल करना मत भूलिए। तो रेटिनॉल जब आप रात में फेस वॉश कर लेते हैं उसको अच्छे से पैड ड्राई करिए, और उसके बाद एक पी साइज क्वांटिटी आप अपने हाथ में ले सकते हो और उसको फिंगर टिप से आप लगा सकते हो, और उसके बाद फिंगर टिप से ही मसाज कर सकते हो आईज के पास और आपके मुंह के पास। शुरू के कुछ दिनों में आप रेटिनॉल स्किप कर सकते हो। जब आपको समझ आ जाए कि आपको इससे ड्राइनेस, रेडनेस, सेंसिटिविटी नहीं हो रही, तब आप इन एरियाज में भी रेटिनॉल को यूज कर सकते हो। तीसरी टिप ये है कि अगर आप काफी अनश्योर है रेटिनॉल को लेकर, तो आप हफ्ते में 1 या 2 दिन से रेटिनॉल स्टार्ट कर सकते हैं और उसकी टॉलरेबिलिटी डिसाइड कर सकते हैं आफ्टर दिस। कुछ लोग सैंडविच टेक्निक यूज करते हैं जिसमें वो पहले मॉइस्चराइजर लगाते हैं फिर रेटिनॉल और उसके ऊपर मॉइस्चराइजर, ये भी आप यूज़ कर सकते हो, बट मेरे हिसाब से क्योंकि मॉइस्चराइजर की क्लेयर बन जाएगी तो एफिकेसी काफ़ी कम हो जाएगी रेटिनॉल की। बट अगर आपके पास बहुत सेंसिटिव स्किन है तो आई थिंक दिस इज द बेस्ट चॉइस। सैंडविच आप करें या ना करें, लेकिन रेटिनॉल के ऊपर हमेशा एक मॉइस्चराइजर लगाइए जिससे आपकी स्किन को हाइड्रेशन मिलेगा और रेटिनॉल के जो ड्राइंग साइड इफेक्ट्स है उससे आप बच पाएंगे। और आप अगर अभी भी अनश्योर हो कि आपके लिए कौन सा रेटिनॉल सबसे अच्छा रहेगा, या फिर अगर आपको कोई रेटिनॉल इरिटेट कर रहा है और आपको नहीं समझ आ रहा है कि कौन सा यूज करना है, तो पहले आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से जरूर मिलिए। तो ये था हमारी तरफ से रेटिनॉल रेकमेंडेशंस को लेकर। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली है तो आई एम श्योर आपको ये पसंद आई होगी, तो इसे शेयर अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपका और कोई क्वेश्चन है रेटिनॉल को लेकर, या फिर आप अपना कोई फेवरेट रेटिनॉल के बारे में हमें बताना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। और अगर आप हमें कुछ सजेशन देना चाहते हैं फ्यूचर वीडियोस के लिए, वो भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं। हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।